एवरीवन, आज के एक्सपेरिमेंट में हम कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट फाइंड करेंगे फैब्रे पैरेट इंटरफेरोमीटर का, जिसके अंदर हमारे पास जो एपरेटस यूज होते हैं, सबसे पहले एक लेज़र होगी, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक इटैलियन यूनिट होगी, एक स्क्रीन लेंगे और एक ऑप्टिकल रे होगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हमारे पास एक लेज़र पावर सप्लाई होगी। तो ये एक लेज़र माउंट है जिसके ऊपर हमने अपने लेज़र को माउंट किया है, और जो लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो रेड लेज़र यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ अराउंड 658 नैनोमीटर होती है। उसके बाद हमने इस ऑप्टिकल रेल के ऊपर हमारी इटैलियन यूनिट को प्लेस किया है। इटैलियन यूनिट के बाद हमने स्क्रीन को प्लेस किया है, और इन तीनों को इस ऑप्टिकल रेल के ऊपर इस तरीके से सेट करना है कि हमारी लेज़र का एक फिक्स ब्राइट स्पॉट हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर मिले। अभी तक हमने लेज़र लाइट को फोकस किया था स्क्रीन के ऊपर। अब फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे इन बिटवीन लेज़र माउंट एंड इटैलियन यूनिट। तो हमने यहाँ पे इस कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया, और जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे हम इटैलियन यूनिट के कुछ स्केल्स को सेट करेंगे। जैसे कि जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारी फ्रिंजेस जो है वो अप एंड डाउन मूव करती है, और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारी फ्रिंज जो है वो लेफ़्ट और राइट मूव करती है। तो इनका यूज़ करके हमें क्या करना है, फ्रिंजेस को बिल्कुल सेंटर में सेट करना है इस तरीके से। इटैलियन यूनिट को सेट करने के बाद जो हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे उनका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। फ्रिंज पैटर्न को स्क्रीन पे सेट करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस माइक्रोमीटर की रीडिंग लेनी है। तो इसके ऊपर हमारे पास दो स्केल हैं, एक है हमारा मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। तो रीडिंग किस तरीके से चेक करनी है कि मान लिया आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो 7 mm है, और मान लिया कि हमारी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 27 mm आ रही है। तो क्या करना है, इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो चेक करना है, जो हमारे इस केस में 0.01 mm आया है। तो मेन स्केल रीडिंग में सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड करना है मल्टीप्लाई करके लीस्ट काउंट से। तो यहाँ पे इस केस की बात करें तो 7 प्लस में 27 इंटू में 0.01, और हमारी जो रीडिंग आएगी वो 7.27 mm आ जाएगी। अभी जो हमने ली वो हमारी इनिशियल रीडिंग थी। अब क्या करना है, इस माइक्रोमीटर को एंटी क्लोक या क्लोक वाइज रोटेट करके हमें 20 डार्क और ब्राइट फ्रिंज काउंट करनी है, और 20 फ्रिंजेस काउंट करने के बाद जो रीडिंग आएगी वो हमारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। फिर जैसा कि स्टेबल, तो हमारे पास यहाँ पे 20 फ्रिंजेस के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कि हमारी जो इनिशियल रीडिंग आई थी वो 7.12 आई थी, उसके बाद हमारी जो 20 डार्क और ब्राइट फ्रिंज काउंट करने के बाद जो रीडिंग आई वो 7.44 mm आई। फिर हमने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो डी की वैल्यू आई जो है वो 0.32 mm आई। इस तरीके से हमने 3-4 और अलग अलग 20 फ्रिंजेस के लिए रीडिंग्स ली हैं, और हमारा जो मीन डी निकल के आया है वो 0.5125 mm आया। अब कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो डी बाई डी डैश है। ये जो डी है ये कहाँ से आएगा, अब कितनी फ्रिंजेस काउंट कर रहे हैं मल्टीप्लाई में जो लेज़र लाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ डिवाइड बाई 2। तो हमने यहाँ पे जो लेज़र लाइट यूज़ की है उसकी वेवलेंथ जो ली है वो हमने 650 नैनोमीटर ली है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमने यहाँ पे 20 ली है, और इस तरीके से हमने फर्दर कैलकुलेट करके डी की वैल्यू निकाली जो हमारी 6.5 × 10⁻³⁻³ निकल के आई। अब कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट में हमारे पास दो डी यूज़ होंगे, एक तो ये जो हमने वेवलेंथ से निकाला, दूसरा जो हमने हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल से डी निकाला है। दोनों का रेशो लेंगे तो हमारा जो कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ रही है वो 0.0126 आई है। अब इस एक्सपेरिमेंट के पार्ट टू में हमें क्या करना है, हमें ग्रीन और ब्लू लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है बाय यूजिंग द कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट जो हमने पार्ट वन में निकाल लिया था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे पहले लेज़र सोर्स का इस्तेमाल किया था, उसको रिमूव करके हमने ये मर्क्यूरी वेपर सोर्स का इस्तेमाल करा है, जिसके अंदर हमारी 7 डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, जिनमें 3 हमारी यूवी रीजन में लाई करती है और 4 हमारी विजिबल रीजन की लाइट्स हैं। उनमें से ही एक लाइट ग्रीन और ब्लू का, जिसका हमें यूज़ करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ग्रीन की वेवलेंथ फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन फिल्टर का इस्तेमाल किया ताकि सिर्फ हमारी ग्रीन वेवलेंथ वाली लाइट ट्रांसमिट हो, और कॉनकेव लेंस हमने एज इट इज़ रखा है,
उसके बाद हमने अपनी इटैलियन यूनिट को भी एज इट इज़ रखा है, क्योंकि इटैलियन यूनिट से जब हमारी लाइट आगे ट्रांसमिट होगी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, जो कि नेकड आई से विजिबल नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, इस CCD कैमरे का इस्तेमाल किया है, जो क्या करेगा, हमारी जो फ्रिंज पैटर्न, डार्क और ब्राइट फ्रिंज का जो पैटर्न बनेगा, उसको हमारे सॉफ्टवेयर पे इस तरीके से विजिबल करा देगा। तो इस तरीके से हमारा फ्रिंज पैटर्न जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिस्टम पे विजिबल हो जाएगा। इसकी ऑब्जर्वेशन भी सेम हमारी कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट वाली ऑब्जर्वेशन की तरह ही होगी। हमें सेम वही 20 फ्रिंजेस काउंट करनी है, इनिशियल रीडिंग लेनी है, फाइनल रीडिंग लेनी है, और हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का। सेम प्रोसीजर हम ब्लू फिल्टर के लिए, ब्लू लाइट के लिए यूज़ करेंगे। उसमें सिर्फ क्या चेंज होगा कि यहाँ पे हमने ग्रीन फिल्टर का इस्तेमाल किया था, इसको रिमूव करके ब्लू लाइट चाहिए तो हम यहाँ पे ब्लू फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी प्रोसीजर पूरा सेम होगा और इस तरीके से हमारे पास हमारे ग्रीन और ब्लू लाइट की वेवलेंथ निकल आएगी दोनों की। सेटअप हम यूज़ कर रहे हैं इमेज जे, उसमें हमें फिर कौन सा टूल यूज़ करना है, लाइन टूल, स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन यूज़ करना है। फिर शिफ्ट दबा के इसके जो ब्राइट फ्रिंज है, जो सेंट्रल ब्राइट है, वहाँ से शिफ्ट दबा के अगर मैं लाइन खींचता हूँ, स्ट्रेट लाइन आएगी और फर्स्ट फ्रिंज के सेंटर तक लेके जाना है, वो हमारा लेंथ अराउंड 132 पिक्सल है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट शिफ्ट दबा के इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये 198 के आसपास आया, उसके बाद ये 240 के आसपास, और ऐसे ही मेरे पास 280, और ऐसे ही रिपीट मोड पे जाना है। अभी हमने सिस्टम पे देखा कि किस तरीके से हम सेंटर से लेके पहली फ्रिंज तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट फ्रिंज, सेंटर से फर्स्ट फ्रिंज का जो डिस्टेंस था या रेडियस था वो 136 पिक्सल आ रहा था, सेकंड का जो डिस्टेंस था या रेडियस था वो हमारा 194 पिक्सल आ रहा था, ऐसे ही थर्ड फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से 237 पिक्सल आ रहा था। तो हमने इस तरीके से जितने भी फ्रिंजेस हमारी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है सबका डिस्टेंस फाइंड कर लिया सेंटर से। उसके बाद ये जो डाटा है वो पिक्सल में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 7.8 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 7.8 से मल्टीप्लाई किया, बाकी 10⁻⁶ कॉमन रखा सबका। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिलेगा। उसके बाद दो फ्रिंज की स्पेसिंग या रेडियस के स्क्वायर का जो गैप है वो निकालेंगे हम, एक्स एन का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर ऑफ एम प्लस एन माइनस में एक्स एम का स्क्वायर, और 10⁻⁻² सबका कॉमन रखेंगे और हमें ये मिलेगी रीडिंग्स। उसके बाद जो इटैलियन स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो है एन डी स्क्वायर लैम्डा बाय एक्स एन का स्क्वायर। एन यहाँ पे हमारी फ्रिंज काउंट है कि आप कौन सी फ्रिंज के लिए ले रहे हैं, डी स्क्वायर हमारा डिस्टेंस है इटैलियन और स्क्रीन के बीच में, जिसको हम एक मीटर स्केल की हेल्प से निकाल लेंगे, जो हमारा 60 mm आ रहा था इस केस में। उसके बाद लैम्डा हमारी वेवलेंथ है ग्रीन लाइट की, जो हमने पार्ट टू में निकाली थी, और एक्स एन स्क्वायर हम यहाँ से रखेंगे जो अभी हमने निकाला है। उसके बाद इटैलियन स्पेसिंग का मीन लेने के बाद जो एक फिक्स वैल्यू आ रही थी वो हमारी 1.73802 mm आई थी, और इस तरीके से हम इटैलियन स्पेसिंग निकाल लेंगे।